नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और जैसे कि आज की वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास है कुछ ब्लाउज पीसेस जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने ओपिनियन से कि आप ब्लाउज हम जब सिलवाते हैं तो उसका पैटर्न कैसा है और उसको हम कैसे सिलवाएं कि वो अच्छा लगे, इसी बारे में ये वीडियो मैंने आज बनाई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो, तो आप बने रहिएगा। तो ये है मेरी फर्स्ट ब्लाउज जो आप देख सकते हैं। तो कई बार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ब्लाउज़ के बॉर्डर पे, जैसे कि साड़ी पे बॉर्डर दी रहती है सेम एग्जैक्ट बहुत सारी साड़ियों में, वैसी ही बॉर्डर जो है आपको ब्लाउज़ पीस पे भी मिल जाती है। तो कई बार जो है वो डिसाइड करना भी मुश्किल रहता है कि आप कैसा पैटर्न बनवाएं, कैसा आपका बॉर्डर है, कैसा लुक है। तो उस हिसाब से हर लुक को अगर आप अच्छी तरीके से सिलवाते नहीं हैं तो फिर वो उसकी लुक खराब हो जाती है। तो ये जो है वीडियो, ये सजेशन मैं दे रही हूँ अपने ओपिनियन से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुल जो ब्लाउज है वो पूरा प्लेन है और साड़ी का सेम बॉर्डर ऐसा ही है तो जो इन्होंने दिया है यहाँ पे। तो इसके लिए हम, ये जो बॉर्डर दी हुई है इसके लिए हम चाहें तो आस्तीन जैसे कि 3/4 या 3/4 नहीं अच्छी लगेगी इस पर। इसको जो है हम साड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार कि साड़ी आपकी कैसी है। तो इसको जो है हम लगभग छोटा आस्तीन भी सिलवा सकते हैं, छोटे आस्तीन पे ये बॉर्डर ऐसे आएगा तो अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो इसे आप अपने, तो आप लगभग इतनी बड़ी आस्तीन भी बनवा सकते हैं, या फिर जो इस समय कोहनी तक चल रही है यानी कि जो हाथ की कोहनी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर, वैसे भी आप बनवा सकते हैं, उसमें भी ये अच्छा लगेगा। अदरवाइज अगर आप स्लीवलेस बनवाते हैं तो इसका जो ये बॉर्डर है वो निकल जाएगा। इसका बॉर्डर इतना है तो ये मे बी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पीठ पे भी आ सकता है और आस्तीन पे भी आ सकता है, वो आप जब टेलर को देंगे तो वो डिसाइड कर लेगा। तो ऑल इन ऑल इसका जो ब्लाउज है वो आप गोल गला, गले में आप जो डिजाइन चाहें आप डलवा सकते हैं इसमें, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आस्तीन की, तो आस्तीन ही मेन चीज है कि आप आस्तीन को किस तरीके से, कितना लंबा या कैसे बनवाते हैं कि वो अच्छा लुक दे। साथ में अगर आप चाहें तो इस कपड़े में ब्लाउज सिलवाया है आपने तो इस पर डोरी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि इस पर डोरी भी अच्छी लगेगी, लग जाएगा। तो हैवी नेक बनवा सकते हैं, कोई हैवी मतलब डीप नेक बनवा सकते हैं आप, या कोई भी डिजाइनिंग आप डलवा सकते हैं। तो ये हमारी पहली ब्लाउज। साथ में ये जो दूसरी ब्लाउज है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बनारसी पैटर्न पे है। तो आजकल तो नॉर्मल सी नॉर्मल लुक है कि बनारसी का जो ब्लाउज है वो इतना तो रहता ही है यानी कि आपके केहनी के ऊपर। अगर आप इसे चाहें तो छोटा भी बनवा सकते हैं, छोटा आस्तीन, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। साथ में बनारसी की ब्लाउज है तो गला आप सिंपल ही रखें, गोल ही रखें। और ऐसे प्रिंट वाली ब्लाउज है तो अगर आप गोल गला रखते हैं इसमें तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, या चौकोर गला। और ज़्यादा डिजाइनिंग अगर आप इसमें करवाएंगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो बॉर्डर है, दो तरफ बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है वो पीठ पे आ जाएगा और ये बॉर्डर जो यहाँ पे दिया है वो इतनी लंबी जो है आपकी आस्तीन आ जाएगी, तो इतनी लंबी जो है वो आपके केहनी के ऊपर तक आएगी। तो ये नॉर्मली बनारसी का ब्लाउज ब्लाउज जितना ही सिंपल हो, सोबर हो, उतना ही अच्छा लगता है। तो ये दूसरा ब्लाउज। साथ में एक ब्लाउज ये भी है जो आप देख सकते हैं, तो इसमें भी सेम एज यूजुअल बनारसी ब्लाउज है और दो कलर में है। तो ये इसका आस्तीन भी आप या तो छोटा बनवा सकते हैं जो इतना बड़ा हो, छोटा ही हो 4 से 5 इंच का, या फिर आप केहनी तक बनवा सकते हैं इसको भी। ज़्यादा अगर आप स्लीवलेस रखेंगे तो आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी बनवा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेन है। एक तरफ बॉर्डर जो दिया हुआ है वो पीछे पीठ की तरफ आ सकता है, और आस्तीन आप चाहें तो इसमें स्लीवलेस भी बनवा सकते हैं। अदरवाइज
फुल आस्तीन ना बनाए, 3/4 ना बनाए। तो इसमें आप चाहें तो कोई डिजाइन भी डलवा सकते हैं, डोरी भी लगवा सकते हैं, ये हर चीज के लिए ये कंफर्टेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी एक ये ब्लाउज है, ये जो है इसकी साड़ी। कई बार क्या है कि साड़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी का लुक कैसा है, किस हिसाब से ब्लाउज अच्छा लगेगा। तो मेरे पास एक है एकदम प्लेन साड़ी, जिसमें बॉर्डर पे सिर्फ ये है, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है। तो इसको भी आप चाहें तो बॉर्डर वाली, जो इसका बॉर्डर है वो आस्तीन पे लगवा सकते हैं, और आस्तीन भी छोटा बनवा सकते हैं। और स्लीवलेस तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और गला, इसमें आप गले में भी चाहें तो डिजाइनिंग पीछे डलवा सकते हैं। और डोरी इसमें मैं नहीं, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो पैच की तरह है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर आप डोरी लगवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो डोरी इसमें, ऐसे कपड़े में अगर आपके पास ऐसा कोई ब्लाउज है जिसका ऊपर से ऐसे पैच वर्क किया हुआ हो बॉर्डर, तो उसमें ऐसे बनारसी टाइप का नहीं, मैं बनारसी नहीं कहूंगी, लेकिन प्लेन साड़ी है तो ज्यादा ब्लाउज में तामझाम अच्छा नहीं लगता है। बाकी डिजाइनिंग आप जैसी चाहे आप डलवा लें। और देखिए मेरे पास एक ये ब्लाउज है जो कि जॉर्जेट के कपड़े में है। कई बार ब्लाउज की डिजाइनिंग के पीछे कपड़े का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो और ये देखिए इसका बॉर्डर है जो एक ही तरफ है और दूसरी तरफ ये प्लेन है, ये जॉर्जेट के कपड़े में है। तो इसको भी आप जो पीठ पे गला, डीप गला चाहें डीप बनवा लें। इसमें आप डोरी लगवाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डोरी लगवा के इसको बनवाएं। और आस्तीन इसकी जो है वो आप छोटी या फिर केवनी तक बनवा सकते हैं, 3/4 या फुल हैंड का बनवाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पैटर्न वैसा नहीं है। और जॉर्जेट के कपड़े में डोरी जब लगती है तो वो ज्यादा ही अच्छा लगता है। डीप नेक भी इसका बनवा सकते हैं आप, गोल गला बनवा सकते हैं, मटका गला बनवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऐसे कपड़ों में, क्योंकि ऐसे कपड़ों में बहुत आसानी से डिजाइनिंग हो जाती है और अच्छी भी लगती है देखने में। तो इसका बॉर्डर ऐसा है, तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई साड़ी है तो आप उसमें डोरी लगवा के और वो ब्लाउज स्टिच करा सकते हैं। साथ में आपके पीठ पर भी इतना आ जाएगा और आस्तीन में भी ये एडजस्ट हो जाएगा, तो बॉर्डर काफी ज्यादा है इसमें। तो ये एक साड़ी हो गया। अब मेरे पास ये एक और ब्लाउज है जिसका आप बॉर्डर देख सकते हैं, तो साड़ी पे एज यूजुअल ऐसा ही लुक दिया हुआ है यही। तो इसका तो जो ऐसे है तो इसका जो है वो छोटा आस्तीन ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पे जब आप नीचे तक बनवाएंगे तो ये ज्यादा केवनी तक अगर आप बनवाते हैं तो उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा लगेगा। और इसका कपड़ा भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा शाइनिंग है, तो आप इसमें भी बैक साइज में जो गला चाहे डाल सकते हैं। आजकल तो इसी टाइप की जो है वो साड़ियाँ चल रही हैं, साड़ी पे एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बॉर्डर है और बॉर्डर सिर्फ एक तरफ ही दिया हुआ है। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो डिजाइनिंग वगैरह डलवा सकते हैं, डोरी भी लगवा सकते हैं, तब भी ये अच्छा लगेगा। अब ये एक मेरे पास ब्लाउज है जो कि प्लेन है, इस पे कोई बॉर्डर नहीं है, इस पे बस ये एक छोटी सी पाइपिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा जो इसका साड़ी है उस पे वर्क है, लेकिन इसके ब्लाउज पे कोई वर्क नहीं है, प्लेन ही है। तो ये जो प्लेन ब्लाउज का, अगर आपके पास आपके भी साड़ी में ऐसा है कि उस पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो आप इसको स्लीवलेस सिलवा सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो डीप नेक का, वी नेक का एक स्लीवलेस ब्लाउज बनवा सकते हैं पतली पट्टी का, क्योंकि इस पर कोई ऐसा बॉर्डर नहीं दिया हुआ है जो आपको बर्बाद आपका होगा। साथ में आपकी साड़ी के लुक के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका ब्लाउज प्लेन है जिसमें कुछ वर्क नहीं है तो उसको आप जो है वो स्लीवलेस बनवा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आस्तीन वाला भी बनवा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और
इसमें बस ये जो पाइपिंग है ये आपकी पीठ पे, या फिर अगर आप आस्तीन वाला बनवाते हैं तो आस्तीन पे लग जाएगी, तो ये उसमें काम आ जाएगी। साथ में मेरे पास एक ये ब्लाउज है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लाउज का पैटर्न ऑलरेडी दिया रहता है, डिजाइनिंग गला पीछे का डिजाइन ये सब दिया रहता है, तो इसमें सेम थिंग मेरे साथ मेरे ब्लाउज पे यही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे की डिजाइनिंग ऑलरेडी दी हुई है इसमें, तो आपको बस ऐसे आप इसमें गला जो चाहें बनवा सकते हैं। साथ में सॉरी ये उल्टा है, ये ऐसे है। साथ में जो ये पाइपिंग दी हुई है इसको ऐसे पीठ में लगाने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये आगे का गला आप जो चाहे डीप गला बनवा सकते हैं, ये डिजाइनिंग आपकी पीठ पे आएगी। साथ में ये जो पाइपिंग है ये ऑलरेडी लगी हुई है पीठ पर, तो इसमें कोई कुछ करना नहीं है। साथ में इसका भी आस्तीन जो है वो छोटा सा यहाँ पे 3 डॉट्स दिए हुए हैं, तो या तो आप छोटा आस्तीन बनवा लें, या फिर इसको भी आप चाहें तो स्लीवलेस बनवा सकते हैं, तब भी ये अच्छा लगेगा। तो क्योंकि ये डिजाइनिंग आस्तीन पे आएगी, ये ही पाइपिंग आपका आस्तीन पे भी लग जाएगा, क्योंकि लंबा पाइपिंग है। तो आपके पास कुछ ऐसा है तो आप इसको किसी भी पैटर्न के हिसाब से बनवाएंगे तो ये अच्छा ही लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डिजाइनिंग ऑलरेडी बनी रहती है, उसमें आप ज्यादा कट नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से ये ब्लाउज है। और लास्ट में मेरे पास एक ये ब्लाउज है, इसमें भी सेम मैं अगर मैं दिखाऊं आपको तो पीछे का जो है वो देखिए ऐसे डिजाइनिंग दी हुई है, तो यहाँ पे आप जो है वो गोल गला इसको बनवा सकते हैं, क्योंकि ये पैच वर्क यहाँ पे किया हुआ है। और आस्तीन आपकी आस्तीन के ऊपर कोई डिजाइन नहीं है, तो इसको भी आप चाहें तो स्लीवलेस बनवा सकते हैं, या छोटी आस्तीन का बनवा सकते हैं। इसमें डोरी का भी यूज हो सकता है, अच्छा लगेगा। तो कपड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कपड़ा कौन सा है और किस हिसाब से आप उसको सिलवाना चाहते हैं कि वो अच्छा लुक दे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी का कपड़ा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको ब्लाउजेस दिखाई जो कि मेरी थी, और ये मेरे पास एक बस ऐसे ही नॉर्मल सी गोल्डन ब्लाउज है, जिसका कपड़ा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसमें तो कोई नहीं है, मैंने अलग से ब्लाउज पीस लिया था। तो इसको तो आप एज यूजुअल जैसे चाहें आप सिलवा लें, किसी भी साड़ी के साथ जाएगा जिसमें भी गोल्डन वर्क होगा, या नहीं भी हो तो भी जाएगा, गोल्डन या सिल्वर दोनों में चला जाएगा ये। तो इसको भी आप जैसे चाहें, हाँ फुल आस्तीन का ना बनवाएं, फुल आस्तीन के लिए ये नहीं है। अगर आपको फुल आस्तीन में बनवाना है तो मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि ये जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है ये फुल आस्तीन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये मेरे पास ब्लाउज का पीस जो है इसमें थोड़ा सा कम है कपड़ा, लेकिन अगर आपके पास फुल कपड़ा है, ज़्यादा मटेरियल कपड़े का है, तो आप इसको जो है वो फुल आस्तीन का भी बनवा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये काफ़ी चौड़ा है, तो अगर आप इसको चौड़े बॉर्डर को पीठ पे लगवा लेते हैं और सेम इससे मिलता जुलता जो पतली वाली बॉर्डर आती है, लेस आती है सॉरी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी, तो इतनी चौड़ी जो लेस आती है जो इतना ही हो, इससे मिलती जुलती लेस आप इतना ले करके और इसका फुल आस्तीन यानी कि चूड़ीदार बनवा के और उसके किनारे पे यहाँ पे आप ऐसे वो लेस लगवा सकते हैं, तो वो पतली रहेगी तो वो काफ़ी देखने में अच्छी भी लगेगी, और यहाँ पे थोड़ी सी चूड़ी रहेगी तो वो जॉर्जेट के कपड़े में ज़्यादा बेटर, अगर आप चूड़ीदार बनवाना चाहते हैं तो जॉर्जेट के कपड़े में ज़्यादा बेटर रहेगा बनवाना। और बाकी आपके पास कोई नई सजेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही मैं ये ब्लाउजेस सिलवा लेती हूँ मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने ब्लाउजेस कैसे सिलवाए हैं, किस पैटर्न से सिलवाए हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।